चंडीगढ़ में 8 साल की लापता बच्ची, अब उसकी बॉडी जो है वो मिल चुकी है। उनकी माता जी हमारे साथ हैं। बच्ची का शव मिल चुका है? हाँ जी सर, मिल चुका है। मैं लड़की देख के आई हूँ हॉस्पिटल से। अच्छा, तो लड़की तो पहचान में नहीं आ रही है, पर मैं उसके कपड़े जो पहनाई हूँ पहचान में आ रही है। अच्छा, अभी दोबारा मैं सुबह आई हूँ तो पूछी हूँ कि लड़की हमारे सारे कपड़े पहने हुए है, तो बोले कि पैजामी मतलब पैंट पहने चिट्टी, तो वो पहने नहीं है। अच्छा, और सारे कपड़े पहने हैं, मतलब चप्पल वप्पल गिरा है, तो पता नहीं चप्पल है या नहीं। हमें फिर दोबारा बॉडी देखना है। मैं बॉडी देखने जा रही हूँ, देख के आऊंगी अपनी बॉडी, बच्ची की यहाँ लेके आएंगे, पब्लिक देखे, सारे लोग देखे, हमको इंसाफ चाहिए, उसको फांसी को सजा चाहिए। ये कौन है, पता चला अभी किसने किया है ये सब? ये जो किया है वो भाग गया है, उसका जो व्यवहारी दोस्त है जो बाउंड्री में है, सारे लोग यही बैठे हैं। अच्छा, बंद करे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसको हवाई जहाज से कहूँ, उसको क्या बोलते हैं, हम कहाँ लेने गए, उसको नाम नहीं आता। अच्छा, कहीं बिहार साइड में लेने गए? नहीं, यूपी का रहने वाला, यूपी से। हाँ, वहाँ से तो भाग गया, फिर से उसके पीछे लगी है पुलिस। अच्छा, लगी है, कोलकाता है। हाँ, वहाँ कलकत्ता में वही थे। बच्चे के निशान भी हैं गले वगैरह पे कुछ? हाँ, आँखों पे तिल है, पेट में तिल है। अच्छा, पैर में भी तिल है। अच्छा, हाथों में नन है। काटने का सर, तो अभी तो हमको निशान तो नहीं दिखा है। अच्छा, वो फूली फाली है, सही बिल्कुल सो रही है, बिल्कुल फूली है। चेहरा जो इतना होता है तो इतना हो गया बड़ा भारी का। अच्छा, थोड़ा हल्का बदबू भी देती है। अच्छा, अब फिर जाएंगे बॉडी, हमको चैन नहीं है अपनी, फिर बॉडी देखेंगे सर। ठीक है, तो और कुछ बताया पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ये बोले अपने माँ बाप जाओ, बॉडी फिर देख के आओ, जो कहोगे वही होगा, जो आप कहोगे वही सजा होगी। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे जो ये 8 साल की बच्ची की माता है, हालांकि इन्होंने बॉडी की पहचान कर ली है, बॉडी काफी ज्यादा फूल चुकी है और अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो जिस पर शक है उसको तलाशने के लिए पुलिस लगातार उस पर काम कर रही है और कई चीजें पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि बच्चे की पूरी बॉडी फूली हुई है, लेकिन जो कपड़े पहने थे उससे पहचान ली है। काफी बेरहमी से जो आरोपी है उसने कत्ल किया और उसके बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है कि आखिर क्यों किया। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। चंडीगढ़ में 8 साल की लापता बच्ची, अब उसकी बॉडी जो है वो मिल चुकी है। उनकी माता जी हमारे साथ हैं। बच्ची का शव मिल चुका है? हाँ जी सर, मिल चुका है। मैं लड़की देख के आई हूँ हॉस्पिटल से। अच्छा, तो लड़की तो पहचान में नहीं आ रही है, पर मैं उसके कपड़े जो पहनाई हूँ पहचान में आ रही है। अच्छा, अभी दोबारा मैं सुबह आई हूँ तो पूछी हूँ कि लड़की हमारे सारे कपड़े पहने हुए है, तो बोले कि पैजामी मतलब पैंट पहने चिट्टी, तो वो पहने नहीं है। अच्छा, और सारे कपड़े पहने हैं, मतलब चप्पल वप्पल गिरा है, तो पता नहीं चप्पल है या नहीं। हमें फिर दोबारा बॉडी देखना है। मैं बॉडी देखने जा रही हूँ, देख के आऊंगी अपनी बॉडी, बच्ची की यहाँ लेके आएंगे, पब्लिक देखे, सारे लोग देखे, हमको इंसाफ चाहिए, उसको फांसी को सजा चाहिए। ये कौन है, पता चला अभी किसने किया है ये सब? ये जो किया है वो भाग गया है, उसका जो व्यवहारी दोस्त है जो बाउंड्री में है, सारे लोग यही बैठे हैं। अच्छा, बंद करे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसको हवाई जहाज से कहूँ, उसको क्या बोलते हैं, हम कहाँ लेने गए, उसको नाम नहीं आता। अच्छा, कहीं बिहार साइड में लेने गए? नहीं, यूपी का रहने वाला, यूपी से। हाँ, वहाँ से तो भाग गया, फिर से उसके पीछे लगी है पुलिस। अच्छा, लगी है, कोलकाता है। अच्छा, हाँ, वहाँ कलकत्ता में वही थे। बच्चे के निशान भी हैं गले वगैरह पे कुछ? हाँ, आँखों पे तिल है, पेट में तिल है, पैर में भी तिल है, हाथों में नन है। काटने का सर, तो अभी तो हमको निशान तो नहीं दिखा है। अच्छा, वो फूली फाली है, सही बिल्कुल सो रही है, बिल्कुल फूली है। चेहरा जो इतना होता है तो इतना हो गया बड़ा भारी का। अच्छा, थोड़ा हल्का बदबू भी देती है। अच्छा, अब फिर जाएंगे बॉडी, हमको चैन नहीं है अपनी, फिर बॉडी देखेंगे सर। ठीक है, तो और कुछ बताया पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ये बोले अपने माँ बाप जाओ, बॉडी फिर देख के आओ, जो कहोगे वही होगा, जो आप कहोगे वही सजा होगी। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे जो ये 8 साल की बच्ची की माता है, हालांकि इन्होंने बॉडी की पहचान कर ली है, बॉडी काफी ज्यादा फूल चुकी है और अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो जिस पर शक है उसको तलाशने के लिए पुलिस लगातार उस पर काम कर रही है और कई चीजें पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि बच्चे की पूरी बॉडी फूली हुई है, लेकिन जो कपड़े पहने थे उससे पहचान ली है। काफी बेरहमी से जो आरोपी है उसने कत्ल किया और उसके बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है कि आखिर क्यों किया। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।